सीरीज ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के 12 वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर 11 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेस को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सपोज कीजिए अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और लाइन का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं फिलहाल कार्टेशियन इक्वेशन x बाय एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी, ये इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। और अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा इसका कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट से इस लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस अगर निकालना हो, ये पीएम का लेंथ निकालना हो, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो लाइन है वो एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट से पास कर रहा है। एक फिक्स्ड पॉइंट इस पर कहीं पर होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, ये पॉइंट से ये पास कर रहा है। और ए बी सी बताता है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा ए बी और सी होगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में रहता है वो डायरेक्शन रेशियो बताता है। तो हम लोग को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और इसका जब कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, इसका तरीका क्या है, जरा समझिएगा। इसको हम लोग सबसे पहले इसका जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं लेमडा, ये मान लेंगे लेमडा। तो यहाँ से आप एक्स लिख सकते हैं, x का वैल्यू क्या होगा ये इसके साथ इक्वेट कीजिए तो x का वैल्यू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a लेमडा और x1 को उधर ले जाइएगा तो x1 प्लस a लेमडा। फिर इसी तरीके से आप यहाँ से y निकाल सकते हैं, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू निकालने के लिए b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे b लेमडा और y1 उधर ले जाएंगे तो y1 प्लस b लेमडा। और फिर z हम लोग निकाल सकते हैं तो z का वैल्यू कितना आएगा, इसी तरीके से z1 प्लस c लेमडा। तो ये जो एक्स वाई जेड आ रहा है वो एक्स वाई जेड क्या बताता है, एक्स वाई जेड इस लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताता है। तो जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन प्लस ए लेमडा और फिर वाई वन प्लस बी लेमडा और जेड वन प्लस सी लेमडा। तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि m का कोऑर्डिनेट ये है, ये किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन का होगा। तो हम लोग मानते हैं कि m का कोऑर्डिनेट यही है लेमडा के किसी ना किसी वैल्यू के लिए। लेमडा का यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो ये इस लाइन का ही कोऑर्डिनेट बताएगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएगा। तो लेमडा का किसी ना किसी वैल्यू के लिए एम का भी कोऑर्डिनेट ये होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एम का कोऑर्डिनेट ये है और जब m का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, p का कोऑर्डिनेट यहाँ पता है तो इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं pm का। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन होता है। तो ये pm का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी ए बी सी है और दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो pm का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम जीरो होगा करिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का। तो वहाँ से हम लोग लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे और लेमडा का वैल्यू फिर पुट कर देंगे इसमें तो m का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और जब m का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से pm निकाल लेंगे। तो यही इसका वर्किंग रूल होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग,
इस लाइन के जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि M का कोऑर्डिनेट ये है, जब M का कोऑर्डिनेट पता चल गया, P का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट से डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी पता है यहाँ इक्वेशन से। अब जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो क्रिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जीरो होता है, तो उस कंडीशन को अप्लाई करके लेमडा निकाल लेंगे और लेमडा का वैल्यू यहाँ पर फिर पुट कर देंगे तो उससे एम का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और जब एम का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से पी एम निकाल लेंगे। यही प्रोसेस होगा, लेकिन इसको एक क्वेश्चन सब समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन से देखिएगा, अगर अभी आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन से जब मैं बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन है कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ज्वाइंट ऑफ द पॉइंट्स बी एंड सी। बी और सी दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन पर ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो हम लोग को निकालना फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स क्या हुआ, अगर कोई भी पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, तो इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है। और जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसका लेंथ भी निकाल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर लेंथ नहीं निकालना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो दो पॉइंट दिया हुआ है, एक है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 7, 1 और दूसरा पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 5, 3। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ये एक लाइन हो गया। और ए पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस बी सी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। सपोज कर लेते हैं ये एम है, तो इसी एम का कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द ज्वाइंट ऑफ द पॉइंट बी एंड सी। ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बी और सी लाइन पर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बी सी का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी इज, तो आपको पता होगा दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है, मैं पहले वाले भी वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो x-x1 के जगह 4 है, डिवाइडेड बाय x2-x1 3-4, फिर यहाँ पर होगा इक्वल टू y-y1 के जगह 7 और डिवाइडेड बाय y2-y1 यानी 5-7 इक्वल टू z-z1 की जगह है 1 डिवाइडेड बाय z2-z1 यानी 3-1। तो यहाँ पर ये आ गया x-4 - 1, यहाँ पर y-7 - 2 और यहाँ z-1 - 2। तो ये हो गया लाइन BC का इक्वेशन, इसको हम लोग नंबर वन कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉ यहाँ लिखते हैं हम लोग कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, हम लोग BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अब BC लाइन के जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन BC आर गिवन बाय। BC लाइन के जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए जो BC का इक्वेशन है, यहाँ पर हम लोग BC का इक्वेशन लिखें, x-4 - 1 इक्वल टू y-7 - 2 इक्वल टू z-1 - 2 इक्वल टू हम लोग लेमडा यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेमडा मान लेंगे तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये -1 मल्टीप्लाई होगा और 4 उधर ले जाएंगे तो 4-लेमडा। फिर y का भी वैल्यू यहाँ से दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 7-2 लेमडा। और z का भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से तो 1+2 लेमडा। तो ये किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहा है, BC लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। लिमडा का डिफरेंट वैल्यू पुट करने से इसी लाइन का इक्वेशन कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसी लाइन का पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वो अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो M का भी कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल जाएगा, लिमडा का किसी न किसी वैल्यू के लिए M का कोऑर्डिनेट ये होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि M का कोऑर्डिनेट ये है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम बी, एम जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से जो निकाले हैं 4-λ, 7-2λ, 1+2λ, यही मैं लिख रहा हूँ। तो 4-λ,
सेवन माइनस टू लेमडा और वन प्लस टू लेमडा, ये हो गया एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए। अब जब एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल चुका है तो ए एम का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए एम, यहाँ पर लाइन ए एम जो है उसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए एम आर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, क्या होगा प्रोपोर्शनल टू, या समझिए डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट से निकल जाता है। तो एम का कोऑर्डिनेट आया है 4 माइनस लेमडा, 7 माइनस टू लेमडा और फिर 1 प्लस टू लेमडा, ये एम का कोऑर्डिनेट अभी हम लोग यहाँ पर सपोज किए हैं। तो जब एम का कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट से निकालते हैं। 4 माइनस लेमडा माइनस 1, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए एम आर प्रोपोर्शनल टू 4 माइनस लेमडा माइनस 1 और फिर दूसरा 7 माइनस टू लेमडा माइनस 0, 7 माइनस टू लेमडा माइनस 0 और फिर 1 प्लस टू लेमडा माइनस 3, 1 प्लस टू लेमडा माइनस 3, तो ये कितना आ रहा है 3 माइनस लेमडा, फिर यहाँ पर 7 माइनस टू लेमडा और फिर यहाँ पर माइनस 2 प्लस टू लेमडा हो गया। तो ये निकल गया हम लोग को ए एम का डायरेक्शन रेशियो। और बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, कहाँ से पता है, देखिए ये जो लाइन है बी सी उसका इक्वेशन यही है। तो इस इक्वेशन से हम लोग जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है वो डायरेक्शन रेशियो बताता है लाइन का। तो बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है माइनस 1 माइनस 2 और 2, तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी लाइन बी सी आर, बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है माइनस 1 माइनस 2 और 2, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ माइनस 1 माइनस 2 और 2। तो ये बी सी लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, ए एम का भी डायरेक्शन रेशियो पता चल गया। तो लिखेंगे सिंस ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये बी सी पर परपेंडिकुलर है इसीलिए दोनों डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। तो माइनस 1 इंटू 3 माइनस लेमडा, फिर माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 लेमडा, दोनों डायरेक्शन, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो, करिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम हम लोग जीरो कर रहे हैं। फिर 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो माइनस 3 प्लस लेमडा माइनस 14 प्लस 4 लेमडा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू जीरो। तो देखिए 4 लेमडा प्लस 4 8 प्लस 1 लेमडा 9 लेमडा हो गया और यहाँ पर आ रहा है माइनस 3 माइनस 14 माइनस 17 माइनस 17 और माइनस 4 माइनस 21। तो माइनस 21 इक्वल टू जीरो, यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकल गया 21/9। अब ये लेमडा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, जो एम का कोऑर्डिनेट माने हैं इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम बी, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट था तो इसी में पुट करते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन वन, तो ये जो लेमडा का वैल्यू निकला है 21/9 हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, ये एम का कोऑर्डिनेट माने थे तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो 4 माइनस लेमडा, यहाँ पर देखिए 4 माइनस लेमडा का वैल्यू 21/9, फिर है 7 माइनस 2 लेमडा, तो 7 माइनस 2 लेमडा का वैल्यू 21/9 और फिर 1 प्लस 2 लेमडा, तो 1 प्लस 2 लेमडा का वैल्यू 21/9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 15/9 21/9 51/9 आ रहा है और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 7/3 17/3 आ रहा है। तो ये हो गया एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकल गया, क्या निकला मैं वहाँ पर लिखा हूँ 5/3 आया है, 7/3 आया है और फिर 17/3 आया है। तो जब एम का कोऑर्डिनेट निकल गया, हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो जब एम का कोऑर्डिनेट निकल गया, अगर हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना या फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना, तो इस तरीके से निकालेंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर -1, 3, 2
टू द लाइन आर इक्वल टू टू जे प्लस थ्री के प्लस लेमडा इंटू टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप। देखिए क्या है क्वेश्चन, जरा समझिए। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग सपोज करते हैं ये एक लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन को हम लोग नंबर वन मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज दिस, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है इसको नंबर वन कर रहे हैं। और एक पॉइंट दिया हुआ हुज कोऑर्डिनेट्स आर P इज द गिवन पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज -1, 3, 2। अब सवाल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पर, तो ये परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है उसका इक्वेशन निकालना है। और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P। अब यहाँ से जो P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले वाला जो उस क्वेश्चन में बताया हूँ, उस क्वेश्चन में वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब निकल गया था तो इस परपेंडिकुलर लाइन का भी इक्वेशन निकल सकता है। जब इसका कोऑर्डिनेट पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर इसका इक्वेशन पूछे तो दोनों पॉइंट, दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग इस लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालेंगे, उसके बाद इसका इक्वेशन निकालेंगे। कैसे ये काम करेंगे चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिए, इसको नंबर वन कर लिए। अब लिखते हैं ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू द लाइन वन। अब पीएम जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं लाइन वन पर, और लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम आर। अब एम पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, कैसे लिखेंगे जरा देखिए। इस लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो ये जो लाइन का इक्वेशन है आर क्या बताता है, आर बता रहा है पोजिशन वेक्टर किसका, इस लाइन के किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। लिमडा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो आर का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, यानी कि आर जो है वो पोजिशन वेक्टर हो गया और वो इसी पॉइंट, इसी लाइन का पॉइंट का पोजिशन वेक्टर होगा। अलग अलग लिमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर मिल जाएगा। तो एम का भी पोजिशन वेक्टर हम लोग इतना मान सकते हैं। तो लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एम बी, हम लोग पॉइंट एम का पोजिशन वेक्टर सपोज कर लिए 2j प्लस 3k और प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस जे प्लस 3k। अब इसको ऐसा लिखिए दैट इज आई एक जगह कर देते हैं, इसमें तो आई नहीं है, आई कैप यहाँ पर है, तो इसको लिखते हैं 2 लेमडा आई कैप, और जे कैप को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दो जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और जे कॉमन लेने के बाद लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लेमडा। यहाँ पर हम लोग के कॉमन ले लेते हैं के कैप, तो इसमें के कैप कॉमन ले लिए तो 3 बच रहा है, और यहाँ से के कैप कॉमन ले लेते हैं तो लेमडा इंटू 3 लेमडा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 लेमडा। ये बता रहा है पोजिशन वेक्टर किसका, एम पॉइंट का। अब हम लोग इसका पोजिशन वेक्टर लिखते हैं, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम सॉरी पॉइंट पी इक्वल टू, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो इसका पोजिशन वेक्टर लिख सकते हैं, हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये पोजिशन वेक्टर पी पॉइंट का हो गया। अब हम लोग पी एम वेक्टर निकाल लेते हैं, तो पी एम वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर पी एम इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ एम, यहाँ लिखेंगे पोजिशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। अब देखिए एम का पोजिशन वेक्टर, एम का पोजिशन वेक्टर तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस 3 लेमडा इंटू के कैप। ये हो गया एम पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, और माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, ये भी हम लोग को पता है पोजिशन वेक्टर ऑफ पी निकाल के रखे हुए हैं, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से i और यहाँ से i कॉमन ले लेंगे, तो i कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बच रहा है 2 लेमडा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इंटू आई कैप, और फिर यहाँ से और यहाँ से j कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो रहा है 2 प्लस लेमडा और ये माइनस 3j हम लोग कॉमन ले रहे हैं, फिर यहाँ से और यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं तो 3 प्लस 3 लेमडा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 के कैप। तो ये देखिए क्या रहा है, 2 लेमडा प्लस 1 इंटू आई कैप, यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस लेमडा इंटू जे कैप, और यहाँ 3 माइनस 2 1 प्लस 3 लेमडा इंटू के कैप। ये निकल गया वेक्टर पीएम।
अब देखिए ये जो वेक्टर PM है वो लाइन पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर PM जो है वो लाइन 1 पर परपेंडिकुलर है। तो लाइन 1 के बारे में जरा समझिए, लाइन 1 का इक्वेशन ये है, आर इक्वल टू, इसको आप कह सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में है, ये लेमडा बी, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो ये जो लाइन होता है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये वेक्टर बी के पैरेलल होता है, तो वेक्टर बी यही है, इस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो ये जो लाइन है वो एक वेक्टर के पैरेलल होगा, तो वेक्टर जो है वो मान लीजिए ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर बी किसके बराबर है, बी इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, बी की जगह है टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप। तो लाइन, ये जो लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, और चूंकि PM जो है वो लाइन पर परपेंडिकुलर है तो PM इस वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, देखिए जरा समझिएगा इसको, PM इज परपेंडिकुलर टू द लाइन वन, PM जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन वन पर, विच इज पैरेलल टू वेक्टर B, और ये लाइन जो है वो वेक्टर B के पैरेलल है। तो देयरफॉर PM इज वेक्टर PM इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, वेक्टर PM जो होगा यहाँ पर वेक्टर PM लिख सकते हैं, तो वेक्टर PM जो है वो B पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपको पता होगा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब PM का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वेक्टर PM यहाँ पर निकाले हुए हैं, वेक्टर PM देखिए क्या है, टू लेमडा प्लस वन आई कैप माइनस वन प्लस लेमडा जे कैप प्लस वन प्लस थ्री लेमडा के कैप। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, टू लेमडा प्लस वन आई कैप और प्लस माइनस वन प्लस लेमडा जे कैप प्लस वन प्लस थ्री लेमडा के कैप, ये हो गया PM का वैल्यू। और डॉट बी, बी वेक्टर हम लोग को पता है, तो बी वेक्टर है टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप, और ये हो जाएगा जीरो। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे और के का जो कोएफिशिएंट होता है उसका प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग। तो आई का कोएफिशिएंट है टू लेमडा प्लस वन और यहाँ पर है इंटू टू, यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट है माइनस वन प्लस लेमडा और वहाँ पर है इंटू वन, वन प्लस थ्री लेमडा यहाँ पर, के का कोएफिशिएंट और यहाँ पर के का कोएफिशिएंट है थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा फोर लेमडा प्लस टू माइनस वन प्लस लेमडा और यहाँ पर थ्री ले प्लस नाइन लेमडा इक्वल टू जीरो। तो फोर लेमडा प्लस लेमडा फाइव लेमडा प्लस नाइन फोर्टीन लेमडा हो जाएगा, और टू में वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, वन वन प्लस थ्री फोर हो गया इक्वल टू जीरो, यानी कि लेमडा का वैल्यू यहाँ से आ रहा है माइनस फोर बाय फोर्टीन जो आ जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय सेवन। तो लेमडा का वैल्यू निकल गया। अब लेमडा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो कहाँ पर पुट करेंगे, एम का पोजीशन वेक्टर जो हम लोग सपोज किए हैं यहाँ पर, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट यहाँ पर, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम भी, ये एम का पोजीशन वेक्टर था तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, नंबर टू कर देते हैं, तो ये एम का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन टू द पोजिशन वेक्टर ऑफ एम आर, यहाँ पर हम लोग लेमडा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए टू लेमडा आई है और यहाँ पर लेमडा का वैल्यू है टू लेमडा, लेमडा का वैल्यू है माइनस टू बाय सेवन इंटू आई कैप, प्लस यहाँ पर देखिए टू प्लस लेमडा जे है, लेमडा का वैल्यू पुट कर रहे हैं टू प्लस लेमडा, लेमडा का वैल्यू है माइनस टू बाय सेवन इंटू जे कैप, और फिर आगे देखिए यहाँ पर है थ्री प्लस थ्री लेमडा के कैप, तो थ्री रहने देते हैं और प्लस थ्री और लेमडा का वैल्यू माइनस टू बाय सेवन के कैप। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर एम का, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस फोर बाय सेवन आई कैप, यहाँ पर देखिए फोर्टीन माइनस टू यानी ट्वेल्व डिवाइडेड बाय सेवन जे कैप, और यहाँ पर ट्वेंटी वन माइनस सिक्स यानी कि फिफ्टीन बाय सेवन के कैप। तो ये निकल गया एम का पोजीशन वेक्टर, और जब एम का पोजीशन वेक्टर निकल चुका है तो हम लोग को क्या निकालना, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी। तो पी का कोऑर्डिनेट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब ये पोजीशन वेक्टर पता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर,
एम का जो कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस 4/7, फिर 12/7 और फिर 15/7। तो एक तो फोट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकल गया और फिर इक्वेशन निकालना है पीएम का। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। अब इस लाइन का जो इक्वेशन निकालना है हम लोग को परपेंडिकुलर का, तो पी का कोऑर्डिनेट पता है, एम का कोऑर्डिनेट पता है, तो वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग वेक्टर इक्वेशन ही निकालेंगे। अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ रहता क्वेश्चन में तो कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेते हम लोग। तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए पी का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं लेट एम इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर अभी लिख रहे हैं लेट एम इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, यहाँ पर वैल्यू मत लिखिए, बाद में लिख लेंगे हम लोग। एंड एन इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम, एम का पोजिशन वेक्टर को हम लोग एन सपोज कर लेते हैं। तो देयर फॉर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। कोऑर्डिनेट पता है तो माइनस आई कैप प्लस 3k कैप प्लस 2k, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम है, एम का कोऑर्डिनेट पता है, तो माइनस 4/7 आई कैप प्लस 12/7 जे कैप प्लस 15/7 के कैप। यहाँ पर हम लोग का कोऑर्डिनेट पता है तो कोऑर्डिनेट से हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर लिख लिए। देयर फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पी एम आर, पी एम इज वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन निकलता है आर इक्वल टू एम प्लस लेमडा इंटू एन माइनस एम, एन माइनस एम। यहाँ पर हम लोग एम और एन लिख रहे हैं। आप फॉर्मूला में अगर पढ़े होंगे तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर ए पॉइंट है, यहाँ पर ए पोजिशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, और दूसरा क्यू पॉइंट है जिसका पोजिशन वेक्टर बी है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लिमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ पर एम और एन मान रहे हैं क्योंकि बी पहले मान चुके थे, इसीलिए बी नहीं लिख रहे हम लोग, एम और एन लिख रहे हैं। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग देख रहे हैं आर इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ एम, सॉरी आर इक्वल टू वेक्टर एम प्लस लेमडा इंटू एन माइनस एम। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, वेक्टर आर रहने देते हैं, एम का वैल्यू, एम का वैल्यू है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पर लेमडा रहने देते हैं और इसका वैल्यू लेमडा लिखते हैं और एन का वैल्यू पुट करते हैं। तो एन का वैल्यू है माइनस 4/7 आई कैप प्लस 12/7 जे कैप प्लस 15/7 के कैप, और फिर यहाँ पर एन का एम का वैल्यू पुट करते हैं। तो एम का वैल्यू हम लोग को पता है, एम का वैल्यू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पर देखिए ये माइनस 4/7 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3/7 आई कैप हो जाएगा, दोनों आई है यहाँ पर। फिर ये 12/7 जे कैप माइनस 3/7, तो ये आ जाएगा माइनस 21 हो जाएगा, यानी कि माइनस 9/7 जे कैप, और यहाँ पर हो जाएगा 7 × 14, यानी कि 1/7 के कैप। तो आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं कि 1/7 को कॉमन ले लीजिए, तो r इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और 1/7 कॉमन ले लेंगे तो लिमडा 7 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3i कैप माइनस 9j कैप और प्लस k कैप। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेमडा 7 तो एक स्केलर है, कोई कांस्टेंट है, तो लेमडा 7 को म्यू मान लीजिए या लेमडा 1 मान लीजिए, तो वैसे भी लिख सकते हैं या फिर ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यही हो गया ये पीएम जो परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये माइनस 4/7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस में आएगा और ये माइनस 4 होगा तो ये प्लस आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। तो ये हो गया लाइन पीएम का इक्वेशन। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फोटो परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं कार्टेशियन इक्वेशन में भी और वेक्टर इक्वेशन में भी।
तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में बस यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।